हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपने डायल पैड में जाना है। डायल पैड में जाने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है 3 बिंदी का, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक्स नंबर्स, तो हमें ब्लॉक्स नंबर पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन को जब हम ऑन कर देते हैं तो क्या होता है गाइस, जैसे कि आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट सेफ नहीं है आपके वो नंबर ब्लॉक हो जाते हैं इस ऑप्शन को ऑन होने से। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्सनल नंबर की कॉल ब्लॉक करनी है आपको, तो ऐड ए नंबर पर क्लिक करना है और उसका नंबर डाल के इसे ओके कर देना है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल ब्लॉक कर सकते हैं। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल इट आई डी स्पेन, तो इस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको रिकॉर्ड कॉल्स, तो आपको इन ऑप्शनों को ऑन कर देना है। तो गाइस बैक आ जाता है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको कॉल बैकग्राउंड है, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप अपने फ़ोन में अपना बैकग्राउंड कैसा रखना चाहते हैं, फ़ोन जब फ़ोन आता है तो ऐसा या ऐसा जो पे क्लिक करना है आप जिस पे भी, तो आप इस तरीके से अपना सेट कॉल बैकग्राउंड कर सकते हैं। जब आपकी कॉल आएगी तो आपकी जो कॉल है इस तरीके से आएगी। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको कॉल अल्ट एंड रिंगटोन, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर अपना वाइब्रेंट पासवर्ड को, जो भी आपको अपना डायल पैड, जो भी आपकी रिंगटोन जो भी लगानी है आपको, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस एंड इंटरनेट कॉल्स, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको रिकॉर्ड कॉल्स नंबर्स अलाउड, तो इस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है सबको, और बैक आ जाना है। तो बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है क्विक डायलिंग मैसेज, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आपके पास कोई व्यक्ति कॉल करता है और आपके पास टाइम नहीं होता है कॉल उठाना, तो बाद में आप यहां से अपना SMS उसे भेज सकते हैं। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहां पर आपको कॉल डिस्प्ले विद यूज़ ऐप्स, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप अपने फ़ोन में अपना फ़ोन आता है तो आपके जो ऐप्स हैं किस तरीके से आए, तो आपको मेन्यू ऐप पम्प रखना है, स्मॉल पॉप पम्प रखना है, किसी पे भी जो भी रखना है आप इस पर इस तरीके से क्लिक कर देते हैं। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वाईफाई कॉलिंग, जिसके आप अपने फ़ोन में अपनी वाईफाई कॉलिंग करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। तो नीचे आ जाए तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल, तो हमें वॉइस मेल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वॉइस नंबर पर क्लिक कर देना और अपना जिस नंबर पर आपको वॉइस भेजनी उसका नंबर डाल के इसे ओके कर देना है। तो ये बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिस्टर सर्विस, तो हमें उस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको कॉल फॉरवर्डिंग कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। शो योर कॉल इट आई डी फॉर कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर भी सकते हैं। कॉल वेटिंग का भी कर सकते हैं यहाँ से। तो कहीं बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑथर कॉल सेटिंग, तो उस पर क्लिक कर देना और इन ऑप्शनों को आपको कॉल कर देना है। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको प्रोमिसंस आ रहा है, तो इस ऑप्शन को आपको ऐसे रहने दो। यहाँ पर अबाउट फोन पे क्लिक कर देना, तो इसे भी ऐसे रहने दें। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।